छतरपुर में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिता को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने के आरोप में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवती पुलिस कांस्टेबल से शादी करना चाहती थी। छतरपुर महिला थाना पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एक व्यक्ति ने उसके बेटे को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित का कहना था कि उसका बेटा यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, जिससे युवती शादी करना चाहती थी, लेकिन कांस्टेबल ने शादी से मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने धमकी देकर राजीनामा के नाम पर 2 बार 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। तीसरी बार फिर से 20 लाख रुपए की मांग करने लगी, जिससे परेशान होकर कांस्टेबल के पिता ने SP को आवेदन दिया। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें महिला थाने के अपराध क्रमांक 24 में महिला की गिरफ्तारी हुई। इसमें महिला के द्वारा उसके पिता को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो हम आपके लड़के को झूठे बलात्कार के केस में फंसा देंगे, और उसी के चलते उसने कई बार उससे ब्लैकमेलिंग की, और एविडेंस मिलने पर फिर उसमें थाना में FIR रजिस्टर्ड हुई और उस पर कार्रवाई हुई। 5 लाख रुपए वो ले चुकी है, जिसकी वीडियो फुटेज वगैरह उसने पुटअप की थी, और इसके अलावा वो 20 लाख की टोटल डिमांड कर रही थी। ये है कि शादी के लिए परेशान कर रही थी मीना राखी, तो कब से जॉब निकल गया था तो फिर बोले क्या बोलते हमने 5 लाख रुपया दिए हैं और फिर परेशान कर रही थी, हमें मेरा थाने में शिकायत की है। मेरा थाने में SP साहब लोग FIR कट गए थे, यहाँ आए मेरा थाना कल गिरफ्तार कर लिया है, तो मेल कर रहे थे उसकी शादी करो ये माल हुआ आजाद नगर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।